तो देखो भाई, आज जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, पर्सनली उसको मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था। एंड भाई आज थोड़ा सा प्राउड हो रहा है कि मैंने इसको ओरिजिनल में देखा था। एनीवे सीरीज पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात यह है कि जो फाइनली जियो सिनेमा है उसने अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदी में डब करके कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। एंड भाई कल दो कंटेंट रिलीज हुए थे, जिसमें से पहली है तुलसा किंग एंड दूसरी है रैबिट होल। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करंटली मैं रैबिट होल को देख रहा हूँ। जब मैं उसको खत्म कर लूंगा तो हो सकेगा आज ही शाम तक मैं इसका रिव्यू कर दूंगा। एंड भाई बात करें अगर तुलसा किंग की, तो इसको देखने के लिए आपको सीजन में भाई टोटल 9 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसमें भाई हर एपिसोड की जो लेंथ वही 35 से 40 मिनट के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि भाई इसकी हिंदी डबिंग कैसी है, तो देखो उसका आंसर है कि वॉचेबल है। मीन्स अगर आप MX प्लेयर कंटेंट देख चुके हो तो उससे मच 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 बेटर है, बट अगर आपने नेटफ्लिक्स के कंटेंट को एक्सपीरियंस किया तो उससे अभी डाउन है। एक हॉटस्टार और प्राइम की जो डबिंग रहती है उसी के बीच में इसको फिट कर सकते हो, क्योंकि भाई जो कुछ सपोर्टिंग एक्टर है ना उनकी आवाज बिल्कुल भी क्या बोलूं, ठीक है, देख सकते हो, वाचेबल है। अब भाई अगर सीरीज की कहानी पर आए तो देखो सीरीज की जो कहानी है भाई सच में काफी ज्यादा सिंपल है। कहानी भाई इसमें आपको सिल्वर स्टेलोन के कैरेक्टर ड्वाइट की देखने को मिलती है, जो कि भाई कुछ चीजों की वजह से 25 साल तक जेल में था। एंड भाई वो अभी निकल के आ गया है और फिर से अपने काम को स्टार्ट करना चाहता है। एंड इसी सिलसिले में वो अपने बॉस के पास जाता है, लेकिन भाई बॉस उसको टुलसा में भेज देता है उसके नए एम्पायर को सेट करने के लिए। बट भाई जब ड्वाइट वहां पर जाता है तो उसके लिए चीजें आसान नहीं होने वाली। एंड धीरे भाई उसको रियलाइज होता है कि उसका जो बॉस है उसके पीछे कुछ कर रहा है। तो भाई इन सारी षड्यंत्र के बीच में जो अपना ड्वाइट वो कैसे अपना एम्पायर सेट करेगा और जो उसके साथ चीजें गलत हो रही, कॉन्स्पिरेसी हो रही, उसका कैसे पर्दाफाश करेगा, ये सब जानने के लिए भाई आपको इस माफिया ड्रामा को देखना पड़ेगा। यस, एक्चुअली में ये एक सीरीज कहना गलत होगा, ये एक ड्रामा है, बताता हूं क्यों। भाई अगर मैं इस सीरीज का माल को सिंपली आपके लिए एक लाइन में डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, दिस इज जस्ट वन मैन शो। भाई अगर इस सीरीज से सिल्वर स्टेलोन के कैरेक्टर को तुम निकाल दो तो भाई जस्ट ये एक एवरेज सीरीज बन जाती है। एंड भाई इसी एवरेज सीरीज में सिल्वर स्टेलोन के कैरेक्टर को डाल दो तो भाई ये सीरीज काफी बेटर हो जाती है। मतलब भाई इतना बोलूंगा कि सिल्वर स्टेलोन ने इस डूबती हुई सीरीज को बचा लिया, उनका चार्म, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग बाजी और उनका एक्शन, ऊपर से उनके कॉमेडी के पंच, और भाई आपको इस सीरीज के साथ बांध के रखेगा। बाकी भाई अगर कहानी की बात करें तो सीरीज की जो कहानी है टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज्यादा एवरेज है। I mean, आप इसके हर बीट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। छोटे मोटे ट्विस्ट टर्न्स जो कि प्रो ऑडियंस के लिए काम नहीं करेंगे, वो केवल एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए काम करेंगे जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा गैंगस्टर या फिर माफिया वाली सीरीज को नहीं देखा है। बाकी भाई सीरीज जो है अपना माल ड्रामा के नाम पर बेचती है और इस सीरीज का जो ड्रामा है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। मीन्स जो आपको गैंगस्टर से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी, जो उनके कन्वर्सेशन देखने को मिलेंगे, जो इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, जो कैरेक्टर्स के डायनेमिक्स देखने को मिलेंगे और उसके बीच में जो आपको डार्क कॉमेडी का ह्यूमर देखने को मिलेगा वो आपको सीरीज में बोर नहीं होने देता। स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पेसिंग है थोड़ा सा स्लो रखी गई है, लेकिन जैसे कहानी आगे प्रोग्रेस करती है तो थोड़ा सा फास्ट पेस में चली जाती है। प्लस इसके सीजन 2 के लिए भी डोर्स को ओपन रखा गया है। बाकी भाई अगर कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात करें तो उतना ज्यादा कुछ डेवलप नहीं किया गया। जितने भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, अगर ड्वाइट के कैरेक्टर को हटा दें तो आप किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अब जो कैरेक्टर डेवलपमेंट वो सरफेस लेवल। बाकी भाई सीरीज की जो प्रोडक्शन वैल्यू है 90s-80s का जो आपको फील दिया गया वो भी एक नंबर। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर भाई आप इस सीरीज की कहानी से बहुत ज्यादा नया डिमांड नहीं करते हो, आप सिल्वर स्टेलोन के फैन हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, आप उनका चार्म देखना चाहते हो, आप उनको एक्शन सीक्वेंस में देखना चाहते हो, आप उनको सूट वाले गेटअप में देखना चाहते हो, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इस सीरीज को मिस मत करना। तुमको माफिया गैंगस्टर वाले ड्रामास देखना पसंद तो इस सीरीज के माल में उतना दम है जो कि तुमको पुकार रहा है कि आओ मेरे मजे लो। बाकी भाई अगर तुम बहुत ज्यादा मासी हो, नई कहानी देखना चाहते हो, कुछ नया देखना चाहते हो, ट्विस्ट टर्न्स देखना चाहते हो, भर भर के एक्शन सीक्वेंस देखना चाहते हो तो आप इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हो। मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज को लेकर 8/10 स्टार, क्योंकि भाई पर्सनली मैंने इस सीरीज को एंजॉय किया है। तो अपना ओपिनियन तुम कमेंट बॉक्स में लेकर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर। देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।